क्लैश एनिवर्सरी चैलेंज नंबर 2 फाइनली हमारे गेम में यहाँ पर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर बहुत सारे हिडन टेस्लास और बहुत सारे मोनोलिथ्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल कुछ पजल टाइप बेस बना के रखा हुआ है यहाँ पर। और जैसे मैं तुम लोग को बलून्स डिप्लॉय करना बता रहा हूँ वैसे ही तुम लोग डिप्लॉय करना। 4 बलून्स यहाँ पर आएंगे, जैसे ही नया टेस्ला खुले पीछे से 2 स्केलेटन स्पेल हम लोगों को दोनों के दोनों मोनोलिथ पर डाल लेने हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकें। ऊपर की साइड पर 3 बलून्स आएंगे और यहाँ पर कुछ 11 o'clock पर 3 बलून्स आएंगे। 4 बलून्स ये वाले मोनोलिथ पर आएंगे और ईजिली ये दोनों के दोनों मोनोलिथ हमारे चारों के चारों मोनोलिथ क्लियर हो जाएंगे। ये जो बीच में टाउन हॉल के पास मोनोलिथ है इसका भी क्या करना है मैं भी तुम लोग को आगे वीडियो में बताता हूँ। टेस्लास क्लियर हो जाए बहुत ही हमारे लिए आसान बात होगी कि ये इजीली टेस्लास हमारे क्लियर हो जाए, नहीं हो तो तुम लोग एंड अप करके दोबारा अटैक स्टार्ट कर देना। जैसे ही मोनोलिथ के करीब आने लगे लून्स के टाउन हॉल पे, भाई लून्स ना गिर जाओ, टाउन हॉल एक्टिवेट ना हो तो वहाँ पर स्केलेटन स्पेल डालो। ऊपर की साइड पे 6 मिनियंस डाल के भाई एल्टार क्लियर करो और सीसी क्लियर करो क्योंकि सीसी बाहर नहीं चाहिए, पहले ही यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन हैं। सीसी में से बारबेरियंस निकल आएंगे तो भाई और मसला हो जाएगा, ईजिली यहाँ पर ये वाला मोनोलिथ क्लियर हो जाएगा और नीचे की साइड पर जो टेस्ला टावर है भाई वो भी क्लियर हो जाएगा। अब तुम लोगों को क्या क्या करना है कि भाई तुम लोग को जैसा मालूम ही है जैसे क्लैशर्स को कि भाई यहाँ पर किंग और क्वीन की वैल्यू नहीं होती हमारी 100% में, वैल्यू होती है तो किंग और क्वीन के एल्टार्स की। तो सिंपली किंग और क्वीन के एल्टार्स क्लियर करने के लिए तुम लोग यहाँ पर अपने वार्डन के बच्चे डिप्लॉय करना शुरू कर दो। दो दो एक एक करके वार्डन के बच्चे एल्टार पर डिप्लॉय करो, ईजिली यहाँ पर एल्टार को क्लियर करो। एल्टार जितना ज़्यादा क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा, टाइम भी बचेगा, नहीं तो टाइम फेल भी हो सकता है। एल्टार क्लियर करते जाओ, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर अपने वार्डन के बच्चे को डालो। ये जो बीच में मैंने किंग के स्टैचू के पास अपना किंग डाला है और पीछे से 4 हेडहंटर्स डाले, तुम लोग भी सेम यहीं पर ही डिप्लॉय करना। सिंपल यहाँ पर एक और एल्टार बचा है, यहाँ पर भी वार्डन का बच्चा डाल दो। सिंपल यहाँ पर तुम लोगों का ये क्लियर होता जाएगा भाई, स्केलेटन बहुत निकलेंगे। एक पॉइजन स्पेल बचा के रखना, स्वैग के चक्कर में मत रखना नहीं तो मसला हो जाएगा। जैसे कि तुम लोग अभी देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में नीचे की साइड पर स्केलेटन आ गए हैं और ऊपर की साइड पर भी खुल चुके हैं। सिंपल यहाँ पर तुम लोग नीचे की साइड पे मैंने पॉइजन गलती से डिप्लॉय कर दी, यहाँ पर किंग एबिलिटी पॉपअप कर दो और किंग बहुत ही करीब है टाउन हॉल के, इजीली क्लियर हो जाएगा। हमारी आर्मी ऊपर की साइड से आना शुरू हो चुकी है, इजीली ये हो चुका है हमारा बेस क्लियर। तुम लोग देख सकते हो कितना ईजिली हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया बेस को। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। और भाई हम लोगों ने अपने चैनल पर बहुत सारे नए गेम्स के रिव्यूज़ भी शुरू किए हैं, बहुत जल्द हम लोगों की बहुत बड़े बड़े गेम्स के रिव्यूज़ भी आने वाले हैं हमारे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखना, बाय।